नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ। जाने क्यों फांसी से पहले पूछी जाती है अंतिम इच्छा। दोस्तों, आपको हम बता दें कि किसी को भी फांसी होता है तो उससे पहले उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। दोस्तों, उन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फांसी से पहले पूछी जाती है अंतिम इच्छा क्यों। दोस्तों, आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी कि मरते हुए आदमी की इच्छा पूरा करने पर बहुत पुण्य मिलता है, फिर वह इंसान चाहे अपराधी ही क्यों ना हो। लेकिन यह हक उसे भी दिया जाता है। लेकिन आप इस बात को तो जानते ही नहीं कि मौत की सज़ा प्राप्त अपराधियों को आखिरी इच्छा का हक तो दिया जाता है, पर इसमें भी कुछ शर्तें लागू होती हैं। मौत की सज़ा या फांसी की सज़ा प्राप्त अपराधी को अपनी अंतिम इच्छा पूरी करने का मौका तो मिलता है, लेकिन ये इच्छा एक सीमित दायरे में ही तय होती है। बता दें, मौत की सज़ा प्राप्त अपराधी अंतिम इच्छा में अपनी सज़ा को माफ़ नहीं करवा सकता। कैदी के पास यह अधिकार होता है कि वह अपनी अंतिम इच्छा में अपना कोई मनपसंद खाना या कोई स्पेशल भोजन जेल प्रशासन से मांग सकता है, पर इच्छा को खुशी खुशी पूरा किया जाता है। फांसी की सज़ा पाने वाले व्यक्ति को यह अधिकार भी होता है कि वह अंतिम इच्छा के रूप में अपने परिवार वालों से मिलने की इच्छा जता सकता है। जेल प्रशासन उसे पूरे परिवार से मिलवाता है। अगर उसकी यह इच्छा है, फांसी की सज़ा प्राप्त कर चुका व्यक्ति अपने अंतिम समय में अपने धर्म की कोई पवित्र पुस्तक पढ़ने की इच्छा रखता है, तो कोई उसकी इस इच्छा के अनुरूप उसे धर्म की पुस्तक दी जाती है। भारतीय संविधान के मुताबिक मौत की सज़ा प्राप्त अपराधी इन इच्छाओं के अलावा अगर किसी और बात की मांग करता है तो उस पर विचार करने जैसा कोई नियम नहीं है। तो दोस्तों, आपको हम बताएं, जाने क्यों फांसी से पहले पूछी जाती है अंतिम इच्छा। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।